dear students welcome to our today's class today we are starting our poetry and the first poem is dust of snow composed by robert frost who was born on 1874 and died on 1963 he was an american poet and he was awarded four times By the Pulitzer Award for his poetry, and it was a very big achievement for a poet. In this poem, the poet tells us that everything may be positive or negative. It depends on our mood and on our circumstances. तो हम इस poem को लेते हैं। पहले मैं आपको इसकी summary बता देता हूँ हिंदी में। उसके बाद word by word, line by line चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इज द वे शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलोक ट्री कोवे ने हेमलोक के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ का पाउडर गिराया बर्फ की धूल गिराई इसमें कभी ने यह क्लियर नहीं कहा कि वो उसके नीचे बैठा हुआ है या उसके नीचे से गुजर रहा है पेड़ के नीचे से या खड़ा हुआ है ना ये बताया कि कौवा कहीं से आके बैठा है या कौवा वहाँ पे पहले से है केवल इतना है कि कौवे के कारण पोयट के ऊपर बर्फ़ का पाउडर गिरता है बर्फ़ की धूल गिरती है तो इसमें इस चार लाइन में नथिंग इम्पोर्टेंट कोई विशेष बात अभी हमारे सामने नहीं आती है जो कुछ होता है वो अगले स्टेंजा में देखते हैज गिवन My heart a change of mood. And एंड some part of a day I had root. अब कभी कहता अब क्या होता उसका इफेक्ट क्या होता है वो हम देखते हैं. Has given my heart a change of mood. जैसे ही वो बर्फ का पाउडर मेरे ऊपर गिरता है कोवे के कारण हेमलॉक ट्री से यानी एक कोआ जो अशुभ माना जाता है अनहोली थिंग होता है और हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस होता है जिसे अनऑस्पिशियस माना जाता है उदासी का निराशा का प्रतीक माना जाता है हुँ? सिंबल ऑफ सैडनेस एंड ग्लूम तो दोनों ही चीज़ें अनहोली होली हैं लेकिन वहाँ से कवि को मिलता क्या है वो इस पैराग्राफ में सिस्टेंट बताता है कि मेरे ऊपर जैसे ही वो पाउडर गिरा और जो कुछ मैंने फील किया ठंडा सा पाउडर हैं सॉफ्ट सा पाउडर तो उसने मेरे मन को एकदम बदल दिया जो मेरी भावनाएं थी जो मेरी फीलिंग्स थी वो सब एकदम चेंज हो गई और मुझे लगा कि मेरी सारी उदासीनता मेरा सारी निराशा समाप्त हो गई है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट और उस दिन का जो मेरा बचा हुआ अगला हिस्सा था उस दिन का वो मेरा बर्बाद होने से बच गया क्योंकि अब ना मैं उदास हूं ना खुश हो गया आगे का पूरा दिन मेरा लिया यूजफुल हो गया उपयोगी हो गया तो इसमें जो कवि कहता है वो केवल इतनी बात कहता है एक विरोधाभास इसमें है के दो अशुभ चीजों के कारण कवि की उदासीनता परेशानियां सब कुछ खत्म हो जाता है इसका मतलब यह सब कुछ हमारे फील करने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किसी चीज को किस तरीके से फील करते हैं किस तरीके से उसे लेते हैं किस नजर से उसे हम देखते हैं इसका मतलब द अस दैट द बैड थिंग्स also give us happiness it may take us from darkness to light it depends on our mentality if we are positive if we have positive mentality then we shall take everything in positive manner or if we are negative or we have negative mentality then we feel every positive positive thing लाइक ए नेगेटिव थिंग तो इसलिए कवि कहता है कि हमें किसी भी चीज को नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए हर चीज को पॉजिटिव ही लेना चाहिए हर चीज अच्छी ही होती है चाहे हम उसे कैसा ही भी मानते रहे हों जैसा कि इस पोएम में होता है कि कोवा भी अशुभ माना गया है हेमलॉक ट्री भी अशुभ माना गया है लेकिन कवि का मूड चेंज होता है तो इन दोनों चीजों से तो इसलिए कुल मिला जो ये चीजें परिस्थितियां अच्छा बुरा नेगेटिविटी पॉजिटिविटी अपशगुन शगुन ये सब हमारी सॉरी ये सब हमारी भावनाओं के ऊपर भी डिपेंड करता है अब इसमें हम लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज की गई है तो इसमें पहले लिटरेरी डिवाइस है ंग स्कीम रॉमिंग स्कीम में हम जब हम देखते हैं द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन इज क्रो एंड लास्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड लाइन इज मी एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द थर्ड लाइन इज स्नो एंड ऑफ द फोर्थ लाइन इज ट्री तो इसकी हम जब बोलेंगे तो इसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं लास्ट में क्रो मी स्नो ट्री तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी इसी तरह दूसरी डिवाइस है एमजेपमेंट एमजमेंट होता है जब कोई भी लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के आगे बढ़ती चली जा जाती है कभी अपनी बात विदाउट पंक्चुएशन मार्क कहता चला जाता है लाइन के बाद भी कूद जाता है उसे कहते हैं एमजमेंट तो इसमें कवि ने शुरू से लेके आखिर से पहले यानी पूरी सात लाइनों में कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया है ये सारी की सारी पोएम एम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तो अगली द थर्ड डिवाइस इज एजोनेस एजोनेस का मतलब होता है जब कोई वोवेल साउंड रिपीट होती है बार बार चाहे किसी लाइन में चाहे किसी स्टेंजा में तो इसमें जो सेकंड लाइन है उसमें ओ जो वोवेल है वो हमारा तीन बार या यूज हुआ है शुक डाउन ऑन तो इस तरह इसमें होता है फर्स्ट स्टेंजा में डिवाइस हमारी है nice. अब सिंबोलिज्म जो कोवा है जो ट्री है वो दोनों सिंपल सिंबल्स ऑफ सैडनेस मानेंगे अब सेकंड स्टेंजा में जो राइमिंग स्कीम है वो है सी डी सी डी जैसे द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन इज हार्ट लास्ट वर्ड ऑफ सेकेंड लाइन इज मूड एंड लास्ट ऑफ थर्ड इज पार्ट एंड ऑफ फोर्थ इज रूट तो इस तरह हम जब बोलेंगे लास्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आता है हार्ट मूड पार्ट रूट तो इसकी राइमिंग स्कीम होती है सी डी सी टी थर्ड डिवाइस इज एलिट्रेशन एलिट्रेशन होता है जब हम किसी भी वर्ड या वर्ड ग्रुप को बार बार रिपीट करते हैं तो इसमें स्टेंजा इस की जो फर्स्ट लाइन है उसमें एच शब्द यूज हुआ हैज एंड हर्थ इस तरह जो सबसे लास्ट लाइन है उसमें सॉरी इन द सेवेंथ लाइन एस यूज हुआ है सेव्ड सम तो यहां होगी आपकी एलिट्रेशन डिवाइस नंबर फोर्थ कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंस में क्या होता है कि किसी भी वर्ड को आप बार बार एक ही लाइन में यूज करते हैं तो यहां लास्ट लाइन में यूज हुआ है डी ऑफ ए डे आई हैड रूट तो एक रिजुलेंस में जो साउंड पैदा होती है वो होती है डी बार बार तो यहां होती है आपकी कॉन्सोनेंस ये हमारे डिवाइसेस थी हिंदी समरी आपके समझ में आ गई होगी बाकी वेट करें अगली वीडियो तक तब तक के लिए थैंक यू